Moksha marga sinetaram vittaram karma bhubhrutam Yataram vishva tatvanam vande tad guna labdaye. Samyak darshan gyan charitrani moksha marga. Samyak darshan, samyak gyan aur samyak charitra ka praram युगपत होता है. इसमें कल हमने एक बिंदु खड़ा किया था. युगपत होता है का तात्पर्य क्या है? क्या यह कहना चाहते हैं कि जहाँ चरित्र होता है वहाँ दर्शन और ज्ञान होता ही है? कि यह कहना चाहते हैं जहाँ पर दर्शन और ज्ञान होता है वहां पर चरित्र होता ही है? अब समझ गए, क्योंकि जहां जहां चरित्र होता है वहां वहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता ही होता है, है ना? प्रवचन सार की सातवीं गाथा जिसमें लिखा चरित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्ति निदिट्ठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हुसमो. वहां पर यह लिखा चरित्र ही वास्तव में धर्म है, वही समता भाव है, और मोह क्षोभ से रहित ऐसी अवस्था खो विहीनो परिणामो अपनो समो ऐसा परिणाम ही समता भाव है. मूल गाथा क्या बोल रही थी? चरित्तम खलु धम्मो, चरित्र ही धर्म है, चरित्र ही समता है. और ऐसी समता कैसी है? दूसरी लाइन में बोल रहे हैं मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित. मोह क्षोभ से रहित मतलब मिथ्यात्व और राग द्वेष से रहित है. इससे क्या फलित हुआ? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सम्यक्त्व के बिना चरित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोल रहे नहीं है क्या बोल रहे हैं? मोह से रहित होता है. और भी आप लगा देख लेना, रत्नकरंड श्रावकाचार्य में जहां पर सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की वह पर पहला छंद लिखा मोह तिमिर अपहरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान. ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? कि मोह के अभाव से ही संज्ञान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है. लेकिन बात यह है, अभी सम्यक दर्शन के साथ जिस प्रकार सम्यक ज्ञान होता है क्या उसी समय सम्यक चरित्र होता है? चरित्र जहां जहां है वहां पर दर्शन और ज्ञान तो है ही. सम्यक की बात चल रही है अभी, मात्र गुणों की बात नहीं चल रही है, सम्यक परिणमन की बात चल रही है. लेकिन जहां सम्यक दर्शन हो सम्यक ज्ञान हो वहां पर सम्यक चरित्र होगा क्या? चल रहा है ना प्रकरण? कल मैंने कहा था हम कुछ प्रकरण पढ़ेंगे. क्या प्रकरण पढ़ना है आज? तीन सौ चौदह पृष्ठ खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का. मिल गया है सबको? 314 एक खुला हुआ पीछे रखना, कहीं खुला हुआ पीछे रख दो जल्दी, अभी जाएगा नहीं तो और समय. जल्दी दो चार आधार जल्दी जल्दी देखने हैं, अब देख लीजिए. मैं पढ़ूंगा यहां से. टोडरमल जी साहब ने यहां पर स्पष्ट खुलासा किया है कि चौथे से मोक्ष मार्ग कहना यह उपचार का कथन है, और सात्विक गुणस्थान में मोक्ष मार्ग कहना यह परमार्थ कथन है. ये टोडरमल जी साहब के शब्दों में आज हमको पढ़ना है. देखिए क्या कह रहे हैं. यह प्रश्न है कि असह्यत सम्यक दृष्टि को तो चरित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है. फिर दर्शन और ज्ञान दोनों ही होगा बिना संयम के, जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को होता है. तो कहते हैं तो वहां पर मोक्ष मार्ग कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
प्रश्न समझ में आ रहे, उत्तर समाधान, मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, उसके मोक्ष मार्ग तो होगा। आगे, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। अब फिर एक समस्या आई, क्या समस्या है? उपचार शब्द काय के लिए डाल रहे फिर, जब हुआ है तो? देखिए, परमार से सम्यक चरित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इसका मतलब बोलिए, अभी परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है। आगे, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि यह, सॉरी, जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि यह उस नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। पकड़ में आ रहा है क्या कहा? किसी ने दिशा बदल दी, चला नहीं है कदम भी, निर्णय कर लिया है चलना है, तो उपचार का क्या कथन है? यह उस मार्ग में चला। ठीक है, कहते ना, मैं अगले हफ्ते में मुंबई जा रहा हूं। वर्तमान में ही बात करते हैं, भविष्य काल में नहीं बात करते, व्याकरण में भी उसी प्रकार जिसका निश्चय हुआ कहने में क्या कहते हैं? वो उस मार्ग को चल दिया है। वो उसी प्रकार असह्यत सम्यक दृष्टि को वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। किसका श्रद्धान हुआ? वितरागी मोक्ष मार्ग का मतलब, अभी मोक्ष मार्ग को विशेषण डाल दिया वितरागी, इसका तात्पर्य क्या है? कि राग द्वेष है वितराग भाव उपादेय है, ऐसा उसको श्रद्धान हो जाता है। परमार्थ से वितराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा, तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना कि तत्वज्ञान तत्वश्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्वश्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग है। ये कौन से गुण स्थान की तरफ संकेत करता है भाइयों? छठवें सातवें, है ना? जहां पर लिखा रहता है सो धर्म मुनिन करी धरिए, ऐसा धर्म तो मुनि ही अंगीकार करते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। ओके, अभी ये और आधार क्या दिया टोडरमल जी साहब ने यहां लिखते लिखते? प्रवचन सार का दिया ना। प्रवचन सार में कौन से पंक्ति की तरफ वे हमारा संकेत करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले पढ़ के दिखाऊंगा, फिर इसी का और एक प्रकरण हमको देखना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। आप आधार में बस लिख लीजिए, प्रवचन सारे यहाँ होंगे बाहर, देख लीजिए जितने होंगे जल्दी निकाल लीजिए आप। अब देखिए, प्रवचन सार खोलिए, गाथा 236 खोलिए, मिल रही है? एक हजन और उठो भाई, एक हजन और उठो, देखो नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, फिर आकर बैठ जाओ। देखिए 236 की टीका में ऐसा लिखा है, अंतिम बात, इससे आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयत तत्व के युगपत पने को ही मोक्ष मार्ग पना होने का नियम होता है। ये 236वीं गाथा है। अब 237वीं की उत्थानिका,
अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि आगम ज्ञान तत्वार्थान और सह्य तत्व के अयुगपत पने को मोक्ष मार्गत्व घटित नहीं होता। अरे बात यहां से क्या बात फल रही है, तीनों की युगपत्ता वही मोक्ष मार्ग, और जहां पर युगपत्ता नहीं होगी वह मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अभी और एक प्रकरण हमको इसका देखेंगे, पेज नंबर 337 खोलिए। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मिल रहा है अभी देखो 300 क्या खोला है। हाँ, 337 का एक प्रकरण पढ़ता हो। इसीलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। बोलो कितने जन को समझ में आया। क्या बात है भाई, ध्यान नहीं है क्या आपका? अरे हम सिद्ध क्या करना चाहते, कोई बताएगा मुझे? कल से हमने एक प्रकरण उठाया है, वो क्या है प्रकरण बोलिए। कल से क्या प्रकरण हमने चालू किया है? एक मैंने कल से प्रकरण ये चालू किया है कि चौथे गुणस्थान से चारित्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे, चौथे गुणस्थान से आत्मानुभव निर्विकल्प दशा शुद्धोपयोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, मोक्ष मार्ग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और समाज में जो दो धाराएं चलती है उसको लेकर हम यहाँ से आधार दे रहे हैं। ओके बैठिए। तो दोनों आधार तो दोनों है, लेकिन दोनों का अपना अपना वजन हमें समझना है। एक का भी निषेध करोगे तो आगम से टकरा जाओगे। जिनका कहना है सात्व से ही होता है वे प्रचुरता की अपेक्षा बात करते हैं, जिनका कहना है चौथे से होता है वो जगन्य कणिका की तरफ से बात करते हैं। कल एक उदाहरण दिया था जयसेन स्वामी का, बोलिए अंत में कौन सा उदाहरण था वो? आम्रवण, राइट, संयम ने बोला। आम्रवण किसको कहते हैं? और एक उदाहरण मैंने मेरी तरफ से दिया था, बोलो। मैंने मेरी तरफ से एक उदाहरण दिया था, निर्धन। निर्धन का अर्थ सर्वथा पैसे से रहित, ऐसा नहीं, कम पैसे वाले को भी जगत में निर्धन कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसलिए अनंत अनुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है। मैंने अंत में और एक बात कही थी, भरत को उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ है कि नहीं बताओ? उत्तम किसका वाचक है? लौकिक प्रयोजन के निषेध का सूचक है, ऐसा अकलंग स्वामी ने लिखा है। उत्तम यह सम्यक दर्शन का वाचक है, आपको पता है? उत्तम क्षमा मतलब सम्यक तो पूर्वक की क्षमा की बात है, मात्र कोरे शुभ भाव की बात नहीं है। लेकिन मेरा यह प्रश्न है, फिर हम कहते समय तो कहते हैं कि उत्तम क्षमा भरत को चौथे गुणस्थानवर्ती को प्रकट होती है, और इसका प्रमाण यह है जब ज्ञानत्राय जी ने पूजन लिखी, कौन सी बोलो ना, दशलक्षण पूजन लिखी, तो दशलक्षण पूजन में उत्तम क्षमा के अर्घ में क्या लिखा? घर ते निकारे, नहीं याद आप लोगों को? बांध मार बहुविधि करे। क्या वहां पर यह लिखा है कि कोई हमारे घर में आए, हमको घर से बाहर बांधे, पिटाई करे, अरे घर से बाहर निकाले, तुम तो क्षमा भाव धारण करना। मेरा यह प्रश्न है, यह उपदेश किसको है? और किसको नहीं है?
एक जन भी ढंग से नहीं बोल रहा। अरे भैया, उत्तम क्षमा हम घटित किस पे कर रहे थे आज तक तत्व और सूत्र पढ़ पढ़ के? मुनि अवस्था में, क्योंकि निर्जराधिकार में लिखा है गुप्ती समिति के साथ उसका वर्णन। और यहां पर जोड़ा किसके साथ है ध्यानेन्द्रराज जी ने? घर में रहता कौन है? चौथे गुणस्थानवर्ती। इसका मतलब एक बात फलित हुई ना, क्या चौथे गुणस्थान को उत्तम क्षमा कहनी पड़ेगी फिर? कितने जन समझ रहे बात को मेरे? चौथे गुणस्थान को उत्तम, लेकिन मेरा यह प्रश्न है, अभी उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक चौथे गुणस्थान को प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है? आंशिक रूप से। भरत एक तरफ खड़ा है, उसको ब्रह्मचारी लगा सकते हैं आप? ब्रह्मचारी भरत लगा सकते हैं क्या, प्रश्न है मेरा। और दूसरी तरफ द्रव्यलिंग मुनि खड़ा है, महामिथ्या दृष्टि है, लेकिन बाहर के 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है बराबर, उसको हम ब्रह्मचारी कहेंगे क्या? मुनि को तो कहेंगे ब्रह्म, और भरत को नहीं कह रहे। जबकि कायदे से अध्यात्म क्या बोल रहा है कि द्रव्यलिंग मुनि को तो कुछ ही नहीं है, चरित्र की छटा भी नहीं है, काय का मुनि, पशु है पशु कहेगा। और भरत को तो दृष्टि मुक्त ब्रह्मचारी कहेगा, लेकिन चरणानियोग की शैली में 96,000 रानियां रखने वालों को ब्रह्मचारी कहना अपवाद का कारण है। क्यों? फिर मुनि भी एकद रख लेगा, मुनि भी एकद रख लेगा, फिर उसको ब्रह्मचारी कहना ही पड़ेगा फिर आपको। और किसी का आत्मानुभव कोई टटोल थोड़ी सकता है। बाहर से तो चरित्रवंत उनको कहा जाता है जो चरणानियोग में स्वीकृत हो, आप समझ रहे हो? जो चौथे गुणस्थान में चरित्र की कणिका जागृत हुई उसके बल पर लोक में चरित्रवंत कहलाने वाला नहीं है। मुक्ति पकड़ में आ रहे सभी विषय? आपके पास जितने आधार मैं दे रहा हूं सबके सब आधार आपके नोटबुक में चाहिए, आप समझ गए? ये पहला सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए मैं पढ़ता हूं 337 पृष्ठ, और मैंने लगभग कितने आधार दिए होंगे भैया? अभी कौन कौन से? चार बोलो। हाँ, अरे मैंने 10 से कम नहीं दिए। 236 237 की टीका भी पढ़ के दिखाई मैंने यहां से। और कल कितने? अरे पूरे में पूछ रहा हूं, कल के प्रकरण से आज। कल दौलत राम जी के करीबन 3 आधार दिए मैंने। 3 दिए कि नहीं आधार? कौन कौन से? द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, और सुनिए स्वरूपाचरण, और सो धर्म मुनिन करी धरिए। ये 3 वही से दिए अपने आधार, ये तो दे ही रहे हैं अभी। एक तो प्रवचन सार की 14वीं गाथा का कल दिया, 13वीं गाथा का क्या था वो? 14वीं गाथा का ऐसे श्रमण ही शुद्धोपयोगी है, याद आ रहा है आपको? राजवार्तिक का तो दे ही रहे, अभी और भी दूंगा। 320वीं गाथा को हमको देखना है, समय सार की 72वीं की टीका और 320वीं की हमको कल देखनी है। अभी आज इसको पढ़ ले पहले हम सिद्धि उपाय का क्या? हाँ, अनेकांत स्याद्वाद की सिद्धि हमने वहां की थी। देखिए, इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चरित्र नाम प्राप्त करे, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की है। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे और कितने ही सकल संयम रूप कहे, उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जो कषायों के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चरित्र नाम नहीं पाते। समझ में आ रहा है सबको क्या कहा है यहां पर? यहां पर जिनागम में
तीन स्तर खड़े किए हैं कषाय की मंदता को लेकर. एक तो बोलिए असंयम, देह संयम, पूर्ण संयम, संयम सकल संयम जिसको कहते हैं. तो उस न्याय से पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक की कैटेगरी एक ही रखी असंयम. लेकिन हम इनमें भी विचार करें तो कषाय की मंदता एक शरीर की नहीं है सब में, तो क्या मूलभूत अंतर पड़ेगा? अरे घटती जा रही है यहां पर भी, लेकिन इनकी कैटेगरी एक शरीर की. जैसे आप लोग सब हीनादिक बुद्धि वाले होने पर भी आप लोग एक प्रकार से समान बुद्धि वाले हो. किस अपेक्षा से समान बुद्धि वाले हो? आप दसवीं विद्यार्थी के छात्र हो, दसवीं कक्षा के समान बुद्धि वाले. और असमान बुद्धि वाले क्यों कह रहा हूं? किसी को 80 है, किसी को 90 है, किसी को 92 है, ये असमान बुद्धि वालों ऐसे अपेक्षा पड़ती है. नीचे देखो थोड़ा सा स्यादवाद शैली को कैसे समझा रहे हैं. यद्यपि परमार से कषाय का घटना चरित्र कांश है, इससे क्या फलित हुई बात? इससे क्या फलित हुई बात? यद्यपि परमार से कषाय का घटना चरित्र कांश है, यद्यपि परमार से कषाय का घटना चरित्र कांश है, बराबर चौथे गुणस्थान में चरित्र बोल रहे हैं अभी, क्योंकि कायदे से कषाय घटी तो चरित्र तो बोलना पड़ेगा. तथापि, तथापि मिल रहा है सबको? तथापि व्यवहार से जहां ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो वही चरित्र नाम पाता है. देखिए गजब, अभी यहां पर व्यवहार का कथन बोल रहे हैं. अभी तक हम क्या कह रहे थे? चौथे से मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार, और सातवें से छठवें से कहना परमार्थ. अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर ये कह रहे परमार्थ से तो चौथे में चरित्र होता है और छठवें में, पांचवें में और छठवें सातवें में कहना ये व्यवहार है. ऐसे क्यों, ये फर्क क्यों पड़ गया? कोई बताएगा? बोलिए, कोई बोलिए. पहले ये एकदम विरोधी कथन क्यों? क्योंकि यहां पर जो निश्चय व्यवहार बोल रहे 337 पर, यहां पर तो ये बोल रहे परमार से तो चौथे में है चारित्र. ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वास्तव में वहां पर कषाय कांश खत्म हो गया है. लेकिन लेकिन व्यवहार में पांचवें छठवें में कहेंगे, व्यवहार में मतलब आंखों से दिखता है उनमें, आंखों से इनके जीवन में नहीं दिखता है. तो व्यवहार का अर्थ यहां पर ऐसा लेना कि लोक में दिखने अपेक्षा व्यवहार की बात करते ही, ठीक है? और अभी तक टोडरमल जी साहब क्या कह रहे थे 313 पर कि चौथे में उपचार का मोक्ष मार्ग और सातवें में परमार्थ साक्षात ऐसा नाम दे दिया. वहां पर क्या अर्थ करेंगे? जगन्य ही है वहां पर थोड़ा, इसलिए उपचार का कथन वहां पर कहा, ठीक है? और जहां साक्षात है वहां पर प्रचुरता से वहां पर परमार्थ रूप से बोल दिया, ठीक है? बोलिए. बराबर बराबर. आपको पता है असह्यत ऐसा नाम चौथे गुणस्थान में जुड़ा है, वो किस रूप से जुड़ा है? अंत दीपक. चौथे गुणस्थान में असह्यम शब्द क्या है? अंत दीपक है भैया. वहां तक सभी कषायों की मंदता के स्थान क्या नाम पाएंगे? असह्यम, असह्यम. लेकिन इनके भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद ही है. मैंने बोला पहले की अपेक्षा दूसरे में असह्यम कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, ऐसा लगाना पड़ेगा. चलना है आगे, ये इसमें नहीं लिखा है, इसलिए तो प्रश्न खड़ा हुआ. ये कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उनमें सर्वत्र कहा क्या पड़ा? उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादा है आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे. नीचे उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम के स्थान होते हैं. ओके, चलना है आगे. एक ही लॉट में डाल दिया, लेकिन मैंने अभी अभी क्या उदाहरण दिया, किसी अपेक्षा से उनमें भिन्नता भी कहने में आएगी. चलना आगे. ए भैया, कितने जनों को खुलासा अच्छे से हो रहा है, हाथ ऊपर करे जरा, तो मैं समझू.
खुलासा अच्छे से हो रहा है, अच्छे से विषय समझ में आ रहा है, कल से चल रहा है ये विषय, ये चलेगा और कल भी चलेगा, मैं बहुत सारे आधार और भी देता रहूंगा आपको, ठीक है। अब ये प्रकरण तो अपना हुआ, मैं एक आधार पढ़ के दिखाना चाहता हूं, उत्तर पुराण का गुणभद्र स्वामी का छंद है, समय तमेव सम्यक्त्व ज्ञानाभ्याम चरितम चरितम मतम, समय तमेव सम्यक्त्व ज्ञानाभ्याम चरितम मतम, स्याताम विना पितेतेन गुणस्थाने चतुर्थके। उत्तर पुराण का 74 का 74वां पर्व और उसमें 543 कुछ छंद होना चाहिए, क्या इसका अर्थ है कोई बताएगा मुझे? फिर से, समय तमेव सम्यक्त्व ज्ञानाभ्याम चरितम मतम, विचार करो, स्याताम विना पितेतेन गुणस्थाने चतुर्थके। ऊपर के लाइन में ये लिख रहे हैं, समय तम एव समान एक साथ साथ चलते हैं, सम्यक्त्व ज्ञान और चरित्र, पहली लाइन, समय तमेव सम्यक्त्व ज्ञानाभ्याम चरितम मतम, छंद बाद में लिख सकते हैं आप, ये साथ साथ चलते हैं, स्याताम विना पितेतेन गुणस्थाने चतुर्थके। क्या अर्थ है भैया इसके? लेकिन चतुर्थ गुणस्थान वालों के विनापि, ये बिना चरित्र के ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पाया जाता है, इससे क्या फलित हुई बात? चौथे में चरित्र नहीं होता, तो हमको झटका नहीं लगना चाहिए यदि कोई कहे वहां पर शुद्ध उपयोग नहीं है, शुद्ध उपयोग चरित्र गुण की पर्याय है भैया, ठीक है, तो शुद्ध उपयोग कहो, ध्यान कहो, चरित्र कहो, ये सब पर्यायवाची है, ठीक है। और सातवें से शुक्ल ध्यान होता है, आठवें से, और चौथे से धर्म ध्यान होता है, लेकिन धर्म ध्यान को गौण करके बात चलती है, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए आत्मरमणता बनी रहती है, ठीक है। अब ये प्रकरण हमारा हुआ, अब समय सार है क्या आप सबके सामने? लीजिए, अभी समय सार उठा लो। हाँ बोलिए, किसकी? 74वां पर्व और 543 बोला ना, हाँ ये छंद होगा, ये पेज होगा, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए समय सार की गाथा की टीका 72वीं खोलिए, 72वीं मिल रहा है सबको, 72वीं गाथा उत्थानिका सब पढ़िए, ज्ञान मात्रात एव मिल गया है सबको, कथम ज्ञान मात्रात एव बंध निरोधिति चेत, इसका हिंदी अर्थ बिना देखे कौन बोलने का प्रयास करेगा संस्कृत पढ़ के? ए, जो मैं आधार दे रहा हूं ना कल से, लगभग 50 आधार तैयार होंगे, 50, और सबके सब मुझे चाहिए बराबर टेबुलर फॉर्म में, और एग्जाम में मैं इसी को पूछूंगा, आप समझ रहे मेरी बात को? जितना भी होगा महीने भर में एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही सूत्र हुआ है मतलब कुछ ही नहीं पूछेंगे, कल भी यही चलना है, और आधार दूंगा। अभी क्या बोल रहा हूं भैया मैं, मेरा प्रश्न है उत्थानिका जो मैंने पढ़ी अभी 72वीं गाथा की उत्थानिका, ऐसा लिखा है, कथम ज्ञान मात्रात एव बंध निरोध इति चेत, बोलो मुक्ति, समझ में? कथम कैसे, कैसे ज्ञान मात्रात एव ज्ञान मात्र से ही, ऐसा एक एक शब्द आप सोचो, ज्ञान मात्रात ज्ञान मात्र से एव ही बंध का निरोध कैसे होगा, ये उसका प्रश्न है।
क्यों प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ उसको कोई बताएगा? अभी तक हम क्या सोच रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों की युगपत्ता से बंध का निरोध होता है, संवर होता है। और आचार्य देव जगह जगह क्या बोल रहे हैं? ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होगा। ठीक है, अभी अभी दो गाथाएं चली समय सार में, 69 और 70। नाधुन आसवानम जावण वेदि विशेषम तरम तु आदासवान दोनंपी अन्नानी तावदसो कोहा दिसुवट दे जीवो कोहा दिसुवट्टंत सतसकमस संचो होदी जीवस्सेवं बंधो बणिदो खलु सवदरी सिहिं। इस दो गाथों में क्या सार है कोई बताएगा? प्राकृत से ही निकलने का प्रयास करिए। जावण वेदी, जब तक नहीं जानता आत्मा और आश्रम में, जब तक भेद नहीं जानता तब तक अज्ञानी बना रहता है, और अज्ञानी रहता हुआ क्रोध करता है, क्रोध करता हुआ कर्म बंधन करता है, और इस प्रकार जीव के कर्म बंधन सिद्ध हुआ। क्या क्या फलित हुई बात दो गाथाओं में? बोलो बोलो बोलो। ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो बंध होगा। ज्ञान मतलब यहां पर भेद ज्ञान, किस किस में? आत्मा और आश्रम। लेकिन अभी आत्मा आश्रम छोड़ा, आश्रम मतलब यहां पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, शरीर सब लगा लेना। तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तो निरोध होगा, यही बात चल रही ना। फिर तुरंत 71वीं गाथा में कहा, जैसे ही आत्मा जीव में और आश्रम में भेद विज्ञान करेगा वैसे ही उसको बंध का निरोध होगा। तुरंत शंकाकार की शंका 72वीं की उत्थानिका में हुई है, भैया ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होगा? कि उसको क्या कहना है, उसको क्या कहना है बोलिए, उसको क्या कहना है? मुक्ति। उसको यह कहना है कि तीनों की एकता, उससे बंध का निरोध होगा। ये कहो, समझ में आ रहा है? आचार्य देव ये कहते हैं, आचार्य देव क्या समाधान करेंगे कोई बताएगा? अरे आचार्य देव कहते, भले हमने ज्ञान मात्र बोला, लेकिन भैया इसका अर्थ कोई ओनली ज्ञान ऐसा नहीं लेना। ज्ञान में ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र तीनों समाहित समझना। हो गया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, क्या दर दिया अभी? ज्ञान और क्रिया युगपत मोक्ष मार्ग है, दोनों के होने से ही मोक्ष होगा। या पर क्रिया का अर्थ क्या लेंगे? चरित्र लेना, चरित्र। या ज्ञान की क्रिया ऐसे भी ले सकते, ज्ञान की क्रिया होना वही मोक्ष है। अभी ज्ञान की क्रिया होना वही मोक्ष, मतलब ज्ञान से मोक्ष होता है, मतलब ज्ञान में श्रद्धा और चरित्र समाहित ही समझना है, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, सुनिए एक बात। और जो मात्र ज्ञान ऐसा अर्थ करता है, आचार्य देव चौकड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, कह रहे तुमने तो एकांत कर दिया ज्ञान का, नहीं समझ में आ रहा। देखिए समय सार में ज्ञान मात्र के तीन अर्थ है। एक तो ज्ञान मात्र कहकर 47 शक्तियों के प्रकरण में ज्ञान मात्र का अर्थ क्या लेना? 47 शक्तियों में ज्ञान मात्र का अर्थ क्या लेना? ज्ञान मात्र मतलब, ज्ञान मात्र मतलब समस्त गुण, ज्ञान आदि जितने भी अनंत गुण है जो अविनाभावी रूप से रहते हैं, उन सबको याद किया है। वहां पर ज्ञान मात्र का अर्थ क्या लेना भैया? वहां पर मात्र का अर्थ ये है कि राग आदि विभावों से रहित और ज्ञान के अविनाभावी अनंत गुणों से सहित, ये मात्र का अर्थ वहां पर है। अर्थ एक ये हुआ। समय सार में ज्ञान मात्र का दूसरा अर्थ ये लिया है, जैसे ज्ञान मात्रा बंध निरोध है, यहां पर मात्र का अर्थ क्या लेंगे? ज्ञान मात्र का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट। ये दूसरा दूसरी बात हो गई। अब ज्ञान मात्र का तीसरा अर्थ मैं खोलने वाला हूं। क्या जो अज्ञानी मानता है, क्या मानता है ज्ञान मात्र का अर्थ? मात्र ज्ञान।
संयम अच्छा पकड़ रहा है, ये संयम बहुत अच्छा पकड़ रहा है। और वो तीसरे ज्ञान मात्र का तो खंडन करना है आचार्यों का स्वर्णिम, और दूसरे ज्ञान मात्र का तो स्थापना करनी है इस प्रकरण में। ए पकड़ में आए, पहला ज्ञान मात्र क्या है? दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय। दूसरा ज्ञान मात्र क्या है? संवर्ण निर्जरा, पर्याय है। पहला ज्ञान मात्र पारिणामिक भाव, दूसरा ज्ञान मात्र पर्याय है, और तीसरा ज्ञान मात्र एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व है कि नहीं? वो एकांत कर रहा है ज्ञान से का ही। अमन पकड़ में आ रहे? देखिए अब यहां पर 72वीं गाथा की टीका में अलग सा प्रश्न पूछा टीकाकार ने, क्या पूछा? दादाजी आपको समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ऐसा है 72वीं गाथा की टीका में, मैं अभी पढ़ के दिखाऊंगा, पहले आपको समझाऊं। पहले क्या बात आई? ऐसा पूछा कि जो आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान हुआ वो ज्ञान है कि अज्ञान? पहला प्रश्न पूछा। क्या पूछा अर्जव? वो भेद ज्ञान, वो अज्ञान है कि ज्ञान? यदि अज्ञान है तो कोई भेद विज्ञान होकर कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो पहला जैसा अज्ञान था वैसे ये भी अज्ञान है, बात एक। और यदि ज्ञान हुआ, यदि ये भेद विज्ञान ज्ञान है, तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? तो फिर आत्मा आश्रव से निवृत्त है कि उसमें प्रवृत्त है? यदि आश्रव में प्रवृत्त है तो फिर भी बोलो, फिर भी कुछ भी अंतर नहीं है फिर तो, क्यों? आश्रव से आश्रव में फिर भी प्रवृत्त है तो काय का ज्ञान फिर? और यदि आश्रव से निवृत्त है तुम्हारा ज्ञान, तो फिर बात सत्य है तुम्हारी और बात फलित हो गई। क्या बात फलित हो गई? कि जहां जहां ज्ञान होगा बोलो, वहां वहां पर चरित्र भी होगा, आश्रव से निवृत्ति भी होगी। ठीक है, चलना है आगे। देखिए मैं यहां से समय सार का प्रकरण पढ़ो, 72वीं गाथा की टीका उत्तरार्ध। मुझे कोई पढ़ के दिखाएगा जो हमको देखना है? पढ़ के दिखाएगा मुझे क्या पढ़ना है? और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद विज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई, और यदि ज्ञान है तो वह आश्रमों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त है? यदि आश्रमों में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई, और यदि आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलाएगा? ऐसा सिद्ध होने से, ए पकड़ में आ रहे सबको प्रकरण? कितने जन को प्रकरण पकड़ में आया है? हाथ ऊपर करे। संयम अच्छे से नहीं आया क्या? तो हाथ के ऊपर किया। अच्छे से एक जन को भी नहीं आया? बहुत जन तो ऐसे बैठे हैं कि जिनको समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ये तो बात ही नहीं है। क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा समझाओ। इतने मरे मन से बैठे हैं जिसकी हद नहीं है, समझने की जिज्ञासा भी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ यहां आने का? प्रकरण क्या चल रहा है कौन बताएगा मुझे? चलो इतना ही बता दो, हमें क्या सिद्ध करना है इसमें से? हमें सिद्ध क्या करना है? पढ़ क्यों रही है प्रकरण? अच्छे से हाथ ऊपर करो, मरे मन से नहीं करो, आत्मविश्वास रहित जीव मत करो, हाथ ऊपर। क्या सिद्ध करना है? और बहुत समझ में नहीं आता तो भैया कल से आने की आवश्यकता नहीं है फिर, यहां पर ध्यान ही नहीं है तो क्या करेंगे आकर? बोलो तुषार। ये क्यों देख रहे हैं? शंकाकार की क्या शंका हुई? वो कह रहे हैं हमने तो तत्वर सूत्र में पढ़ा है, ज्ञान दर्शन ज्ञान चार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों युगपत मोक्ष मार्ग, और आप तो ज्ञान ज्ञान ही को हीरो बना रहे हो,
तो आचार्य देव यहाँ पर ये कह रहे हैं टीका में, फिर ये समझा रहे अमृतचंद स्वामी, भैया जो ज्ञान हुआ आश्रव और आत्मा का के बीच में जो भेद विज्ञान हुआ, वो ज्ञान है क्या अज्ञान? यदि अज्ञान है तब तो फिर अभेद ज्ञान का और भेद ज्ञान का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और यदि ज्ञान है तो हम ये प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं? आश्रव से निवृत्त है कि प्रवृत्त है? यदि प्रवृत्त है तो भी कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, यदि निवृत्त है हो गया काम, क्या हो गया काम? जहां पर ज्ञान होगा वहां पर आश्रम की निवृत्ति हुई, मतलब जहां पर ज्ञान है वहां पर चरित्र भी है। हम ज्ञान उसी को कहते हैं जहां पर चरित्र हो, जहां पर चरित्र नहीं हो उसको हम ज्ञान कहते ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है? ज्ञान में चरित्र आपको अंडरस्टूड समझना है, गर्भित ही समझना है आपको, ठीक है? राजवार्तिक में शंकाकार ने एक बात रखी आचार्य के सामने, वे ये कह रहे हैं कि एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ और उसको देखकर एक आदमी बेहोश हो गया, यह जानकर कि मेरे लड़के का ऑपरेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। थोड़े में ही उनको जैसे तैसे होश में लाकर यह कहा गया, दादाजी अब देखिए, आंखें खोलिए, आपका लड़का देखो सामने, और वो लड़का उछल रहा था। और उनको यह कहा, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये आपके लड़के का नहीं हुआ था, आपके लड़के के हम शक्ल वो लड़का है उसका हुआ था। तो जैसे ये ख्याल में आएगा, बोले दादाजी क्या अनुभव करेंगे? सुख, आनंद। शंकाकार ने यह कहकर क्या सिद्ध करना चाहा है? ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है। उनको ज्ञान नहीं था, अज्ञान से ही दुख होता है, ज्ञान से ही सुख होता है, ज्ञान से ही मोक्ष और अज्ञान से बंध, ये सिद्ध किया। आचार्य देव ये कहते हैं, ये जो उदाहरण दिया है आपने, ये उदाहरण कुतर्क भरा है, और फिर नया उदाहरण अपना खड़ा किया, इसलिए वाद विवाद में अन्य मतियों के साथ उदाहरणों को नहीं बताया जाता, क्योंकि उदाहरणों को अन्य प्रकार से भी पेश किया जा सकता है। तो आचार्य देव ने अपनी तरफ से एक उदाहरण दिया नया। क्या उदाहरण दिया? कि एक दवा है आपके सामने, रोगी के सामने, तो उसका ज्ञान मात्र होने से रोग ठीक होगा क्या, ये प्रश्न पूछा, ठीक है? उसका ज्ञान होना पड़ेगा, श्रद्धान भी होना पड़ेगा, और फिर उसको बोलिए, अरे उसको पेट में भी लेना पड़ेगा, मात्र ज्ञान और श्रद्धान से काम नहीं होगा। किसी की बीमारी ज्ञान श्रद्धान से ठीक नहीं हुई है, बीमारी के लिए आचरण भी होगा। तो क्या बताना चाहते हुए, जिस प्रकार बीमारी श्रद्धा ज्ञान चरित्र से ही ठीक होती है लोक में भी, उसी प्रकार यहां पर भी बंध का अभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से ही होगा। एक उदाहरण उसने दिया कुतर्क के रूप में, और आचार्य देव ने राजवार्तिक में एक उदाहरण अपनी तरफ से आचरण दे दिया, दवा का दे दिया उन्होंने। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये सुनिए, मात्र चरित्र से ठीक होगा मेरा प्रश्न है। अभी बहुत जन ये भी कह सकते हैं उदाहरण को तोड़ मरोड़ रूप से, क्या कह सकते हैं? कि दवा ले लो, बस उसका ज्ञान करने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? अभी मैंने नया बात यहां पर खड़ी की है। कितने जन समझ रहे? राजवार्तिक वालों का क्या कहना है, मेरा क्या कहना है? राजवार्तिक के शंकाकार का अभी तक क्या कहना था? ज्ञान करो काम हो जाएगा। वे कह रहे ऐसा नहीं, तीनों होना चाहिए, श्रद्धा ज्ञान चरित्र। मैं ये कह रहा हूं अभी, चलो चरित्र करो काम हो जाएगा, चरित्र करो मतलब दवा ले लो ठीक हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है मालूम? सुनिए सुनिए, यदि सही दवा हो तब तो ठीक होना चाहिए। अरे उसको विश्वास चाहिए, जो डॉक्टर दे रहा है वो सही दवा दे रहा है। यदि विश्वास ना हो तो कल्पना, विश्वास करना वो ठीक नहीं हो। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? अभी समझा लो, देखिए मेंटेलिटी होती, मेंटेलिटी। एक बार अपने प्रथमानुयोग की घटना सुनाऊं मैं आपको।
दो दोनों भाई राजकुमार, पिताजी मर गए, मरते समय पिताजी चाचा को प्रॉपर्टी छोड़ गए पूरी राजपाट, और ये कह गए मेरे बच्चे बड़े होने के बाद उनको राजपाट दे देना। ठीक है, अब बच्चे बड़े होने लग गए, उनका कौशल भी समझ में आने लग गया, अरे अपनी कोई खैर नहीं है। शुभ चंद्राचार्य और भर्तृहरि ये दो भाई थे ये, तो एक दिन राजा ने षड्यंत्र करके दोनों को जहर खिला दिया। नहीं, ये भर्तृहरि शुभ चंद्राचार्य का नहीं है, ये दूसरे कोई है, दोनों जहर खिला दिया। अब देखिए, एक राजकुमार को ये लगा भैया आज गड़बड़ है भोजन में, कुछ आज तो कुछ खैर नहीं है अपनी, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ षड्यंत्र है। और उसका भाई ये कहता रहा बेवकूफ तू कैसी बात करता है, तुझे कौन गलत खिलाएगा, तुझे अपने चाचा पर विश्वास नहीं है क्या, अरे अपने पिताजी नहीं होते हुए जन्म से लेकर हमको एक एक पल एक एक घड़ी कितना ध्यान दिया है उन्होंने, माँ बाप से भी बढ़कर उपकार है। वो कहते नहीं भैया आज तो कुछ दाल में काला है। अब जिसको जहर दिखा वो मर गया, जिसको जहर नहीं दिखा वो जिंदा रहा। ये कितने जन समझ रहे बात को, सेता हुआ नहीं सेवता। ठीक है, कई उदाहरण। ग्वालियर में एक बार बरसात का टाइम आना था, उससे पहले एक छत बना रहा था, एक जन घर पर चढ़ा और छत बना रहा था। छत बनाते समय उसको कुछ काटा तो उसने कहा क्या काटा, छुआ हुआ जो भी होगा। उसने सोचा कि वहां पर बहुत सारे कपड़े डाल के उस छेद को बुझा दे, बुझा दिया छेद को, जो भी होगा मर ही जाएगा, अंदर मर ही जाएगा। नीचे आ गए उतर के, अगली साल फिर बरसात आनी थी, फिर ऊपर चढ़ा छत ठीक करने को, तो भूल गया था वो सब, तो कपड़ा खोलता गया उसको याद ही नहीं ये कपड़ा अपन ने कब डाले थे। खोलता गया उसको मरा हुआ सांप दिखा बहुत बड़ा, तो उसको एकदम ख्याल में आया, पहले तो ये लगा ये सांप कहां से आ गया, फिर लगा अरे पिछली साल जो हमको काटा था वो तो सांप था। जैसे ही ये सोचा जहर चढ़ने लग गया और तत्समय मरण हो गया। मैंने ये दो उदाहरण क्यों सुनाए आपको, मुझे कौन बताएगा? मेंटेलिटी में भी क्या श्रद्धान, श्रद्धान। जिस डॉक्टर पर हमको विश्वास नहीं है उसकी दवा कार्यकारी नहीं होती, और जिसके विश्वास है वो पीठ पर हाथ भी फेरे और पानी भी पिलाए काम हो जाएगा। दिल्ली में बहुत बड़ा वैद्य है एक, उसकी इंटरव्यू ली चुपचाप, मुझे चुपचाप पता चला है ये, मैं आपको तो वैसे ही बोल रहा हूं। बोले कि आप मंत्र तंत्र करके दवा देते हो, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं देता हूं दवा फवा। बोले सामान्य पानी है ये घर का, मेरे आपने छना हुआ, कोई गंगा फंगा का पानी नहीं है। कह रहे ये तो लोगों को जिनको आस्था होती है ठीक हो जाऊंगा हो जाते, हाँ मैं मर जाऊंगा मर जाते। मैं किसी को बचाता नहीं हूं, विश्वास चाहिए आपको दवा पर, ज्ञान चाहिए, मात्र चारित्र से भी काम नहीं होगा। पकड़ में आ रहा है सबको? यह हमने प्रकरण देखा, राजवार्तिक का यह उदाहरण था, दोनों उदाहरण शंकाकार की तरफ से और समाधान करता राजवार्तिक अकलंग स्वामी की तरफ से। कल और प्रकरण आगे बढ़ेगा, कल चर्चा करेंगे। बहादुरी गाथा की टीका तो आज देखी हमने, अरे बहादुरी गाथा का एक प्रकरण हमने नहीं देखा, नीचे की लाइन देखिए, एक मिनट में पूरा करो। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान कांश ऐसे क्रियाने का खंडन हुआ, और यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रम से निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसे सिद्ध होने से ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञान नय का भी खंडन हुआ। क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञान नय का खंडन हुआ मतलब एकांत ज्ञान का तो खंडन है, एकांत ज्ञान मतलब श्रद्धा और चरित्र विहीन ज्ञान का तो खंडन है, उसको तो अज्ञान का अंश ऐसे बोल रहे ना भैया। नहीं, ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञान नय का भी खंडन हो गया। ज्ञान नय का खंडन मतलब यह नया भास है, क्योंकि क्रिया नय को साथ में लेकर नहीं चल रहा है,
कितने जन समझ रहे भैया? ज्ञान मतलब यहाँ पर श्रद्धा ज्ञान समझना, और क्रिया ने मतलब क्रिया में चारित्र समझना। तो कह रहे हैं हम एक तरफ से चर्चा करेंगे, दूसरा तो शामिल है ही, और जो कोई एकांत करेगा बिना चरित्र के ज्ञान की से सिद्धि नहीं चलेगा। कह रहे निरपेक्ष नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। ओम नमः।